सो गाइस, जो जो लेना था सब ले लिया। तो मैंने दो दो वाइन की बोतल ली है, जेम्स करके दारू है, 2500 रुपए की एक बोतल है। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज है 5 अगस्त 2022, टाइम हो रहा है 9:05, मैं पहुंच गया हूं नेहरू स्टेडियम दिल्ली। पिकअप मेरा हो चुका है, पहला पिकअप मैंने करा था गुड़गांव से धनकोट के पास में, सेक्टर 102 उधर ही था धनकोट के पास में, बसई से आगे। तो पिकअप मैं करके और फिर गया एयरपोर्ट से पिकअप करा। फिर एक पिकअप और है जो है लोधी रोड से, तो लोधी रोड से पिकअप करने आया हूँ। और मैं हूँ नेहरू स्टेडियम पे, बारिश होनी स्टार्ट हो गई है ब्लॉग बनाते समय ही, देख रहे हो कितना मौसम बढ़िया। ये पीछे नेहरू स्टेडियम है, नेहरू स्टेडियम का गेट नंबर 14 है ये। तो आज कहीं बाहर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, ये सब बताएंगे बाद में। तो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, कर लेते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। नेहरू स्टेडियम से बारिश बहुत तेज हो रही है, गो। सो गाइस, टाइम हो गया 1:10, हम पहुंच गए मन्नत ढाबा। ओम मन्नत ढाबा पहुंच गए, जहां पे हर बार रुकते हैं, इस बार भी वहीं पे रुके हैं। और राइडर हमारे अंदर गए हैं कुछ नाश्ता पानी करने, और हम भी कर लेते हैं, चाय पियेंगे और सैंडविच खाएंगे बस। तो इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, कर लेते हैं फटाफट। राइडर बोले फटाफट करके, फटाफट यहाँ से निकलना है, तो करते हैं नाश्ता और मिलते हैं उसके बाद। सो गाइस, हम पहुंच गए ऋषिकेश, राइडर को कर दिया होटल में ड्रॉप, और मैं आ गया रामझूला पार्किंग में। ये सामने रामझूला की पार्किंग है, यहाँ छोटी वाला रेस्टोरेंट है, ये हर बार दिखाता हूँ। तो ऐसा ही कुछ माहौल है, गाड़ी अपनी लगा दी, ये लगी है, और देखो सामने कितना मस्त व्यू आ रहा है ना, वो दिख रहा है जानकी ब्रिज, और ये है रामझूला। ये देखो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, ये है रामझूला। बाकी देखो बादलों में से धुआं निकल रहा है, बढ़िया लग रहा है मौसम, और पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले पानी काफ़ी नीचे तक होता था, लेकिन पानी देखो बिल्कुल सीढ़ियों पे आ गया। ये देखो सीढ़ियों पे आ गया, बस 5-6 सीढ़ी बची हैं, सीढ़ियों तक ऊपर आ चुका है पानी। तो कर लेते हैं यहीं पे रेस्ट, अगर राइडर बुलाएंगे तो चले जाएंगे। यहाँ से होटल की दूरी तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर है। तो मैंने कहा होटल की पार्किंग ना बहुत ही दूर थी, मतलब बहुत ही दूर का मतलब जहाँ होटल था वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर अंदर नीचे रास्ते में, कच्चे रास्ते में, वहाँ पे ना कुछ चाय की दुकान ना पानी की दुकान, एक दो ड्राइवर भाई और थे, और उसके अलावा कोई नहीं था। तो मैं भी वहाँ रुका नहीं, अच्छा नहीं लग रहा वहाँ पे, ना वॉशरूम है, ना चाय है, ना कुछ है। तो मैंने कहा चलो रामझूला की पार्किंग में चलते हैं, वहाँ पे यहाँ की पार्किंग 120 रुपए की है। तो मैंने कहा 120 रुपए जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना, चहल पहल रहती है यहाँ पे। तो यहीं आ गया मैं, तो राइडर ने बोला ठीक है वहीं चले जाना। और होटल वालों के पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई डोमेट्री है, ना कोई खाने की व्यवस्था है। तो हमारे राइडर बहुत बढ़िया हैं, उन्होंने बोला भी, उन्हें फोर्स करा तो बोले सर हम, उन्होंने माफ़ी मांग ली होटल वालों ने कि हम ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं, ना ही कर पाएंगे। तो मैंने कोई बात नहीं, हम ही लेंगे, आपसे थोड़े दिन बाद बात करेंगे जब अपना प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाएगा। तो जो होटल वाले डोमेट्री नहीं रखते हैं, पूरा बिजनेस कर रहे हैं, उनसे भी कोई बात करेंगे आगे चल के कुछ दिनों के बाद में, बस अपना थोड़ा प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाए जिससे कि किसी के सामने खड़े होकर बात कर सकें हम लोग। तो हम सभी ड्राइवर भाइयों के लिए लोगों से बात करेंगे, होटल वालों से, क्योंकि हम राइडर को लेके आते हैं, तो राइडर को सेफ लाना, सेफ ले जाना हमारे हाथ में है, हमारा काम है, हमारा फ़र्ज है। तो हमें आराम करने की जगह होटल वालों को देनी चाहिए, और देते भी हैं कुछ लोग, लेकिन जो लोग नहीं देते हैं उनसे हम लोग बात करेंगे कुछ समय के बाद में। तो अभी रेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, मिलते हैं थोड़ी देर। गाड़ी में ही बैठा था तो सर का फोन आया, बोले आपने कुछ लेने जाना है। तो मैंने कहा बताइए सर क्या लाना है। तो बोले तुम नहीं आ जाओ, हमें ले चलो, हम चलते हैं फिर उधर से घुमाएंगे और ले आएंगे। बोले अगर तुम ला सको तो तुम ले आओ। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बता दो मैं ले आऊँगा। तो उन्होंने व्हाट्सअप कराया कुछ सामान, बताऊँगा नहीं अभी, जाऊँगा तो दिखाऊंगा। तो सर ने कुछ सामान बताया, वो यहाँ से मिल जाएगा पास ही में 1.5 किलोमीटर, तो लेके होटल में दे के फिर आता हूँ मैं, क्योंकि मैं जाऊँगा उन्हें लेने, फिर सामान दिलवाऊंगा, फिर छोड़ने जाऊँगा, तो सामान लेके दे आऊँगा, वो आसान लग रहा है। तो राइडर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अपने साथ, क्योंकि काफ़ी पुराने राइडर हैं मेरे, तो राइडर की जितनी तारीफ करो कम है। बाकी सर को सामान लेने जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या क्या मंगाया, वहीं पहुँच के मिलता हूँ आपको।
सो गाइस जो जो लेना था सब ले लिया। तो मैंने दो वाइन की बोतल ली है, जेम्स करके दारू है, 2500 रुपए की एक बोतल है। दो बोतल ली है, एक ये है और एक ये है, दो बोतलें हैं। देखो 2500 रुपए की दारू ली है, 1500 रुपए की सिगरेट है। खर्चे भाई इतने ही, ऊपर वाला हर किसी को इतने ही पैसे दे जो अपने लाइफ में खुश रह सके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1500 की सिगरेट, बाकी छोटा छोटा बहुत सामान है, ये बहुत सारा सामान लिया फिलहाल। ये महंगे महंगे दो ही आइटम लगे मुझे, मैं तो दारू के रेट सुन के एकदम हैरान हो गया कि 5000 रुपए की दारू, 2500 की बोतल हो। चलो कोई नहीं, सर ने मंगाई है तो सर क्या तुम्हें बढ़िया लगी इसलिए मैंने मना नहीं करा, तो सर को दे देते हैं, मिलते हैं हम पार्किंग में पहुंच के। अभी पहले होटल में जा रहा हूं, होटल में दे के फिर पार्किंग में पहुंच जाऊंगा, फिर मिलूंगा आपको कुछ देर के बाद में। गया 6:40 और इसी केस में आरती चालू हो चुकी है, आवाज़ आ रही है आप भी सुन पा रहे हो हल्की हल्की। तो ऐसे ही माहौल है, देखो सामने आरती हो रही है, यहाँ पे कहाँ पे हो रही है, वो हो रही है वहाँ पे। ये यहाँ पे आपको मंदिर दिखाऊंगा जूम करके, ये नहीं जूम नहीं होगा ये वाले कैमरे पे, आता वाता कुछ है नहीं, कुछ भी करने लगता हूँ तो ऐसे ही कुछ है। इधर आरती हो रही, बाकी लोग नीचे नहा भी रहे हैं, मैं नीचे वाली पार्किंग में मेरी गाड़ी को वहाँ पे लगी है, ये वाली ये कैरियर लगा ना इसके ऊपर लाल वाली की दरवाजे, ये वाली गाड़ी है मेरी, ये जो तीन लोग जा रहे हैं यही वाली गाड़ी मेरी है। तो वहाँ खड़ा था मैं, वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे थे तो मैं इधर आ गया, वीडियो अपलोड हो रही है मेरी वो कल वाली, तो वीडियो देख लो जाके, कल वाली वीडियो नहीं देखी तो ये वाली वीडियो तो मज़ा आएगा ही देख के। तो कुछ ऐसा ही माहौल है यहाँ पे, अब बढ़िया है, सही चल रहा है यहाँ, सारे लोग हैं, अच्छा लग रहा है देखते हुए, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग में अकेला था बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे अच्छे से रात कट जाएगी, खाना पीना भी यहाँ अच्छा मिल जाएगा, वहाँ पे तो खाना पीना कुछ भी नहीं था, होटल वालों ने तो बिल्कुल बाट लगा रखी, इतने बड़े बड़े होटल खोल रखे हैं कुछ नहीं, अरे पैसे लेके खाने दे दो कोई बात नहीं, थोड़ा डिस्काउंट दे दो हमें ड्राइवर लोगों को, और खाना होटल से ही मिल जाए चाहे कैसा भी मिले एक हिसाब से, लेकिन इधर उधर भागना तो नहीं पड़ेगा ना, अब राइडर वहाँ है, राइडर फ़ोन करते हैं तो जाना पड़ता है, और 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, कोई नहीं काम है अपना करना है ना। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद में, अभी आरती वारती हो रही है, इन्जॉय कर रहे हैं, बाकी कोई अपडेट आएगा तो बताएंगे, और नहीं तो फिर आज का ब्लॉग फिनिश, कल कहाँ जाएंगे कल के ब्लॉग में पक्का बताएंगे, तो कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और फेसबुक पे फॉलो कर लो यार, इतना कहते हो वीडियो बढ़िया बनाता हूँ लेकिन फॉलो भी तो करो और शेयर तो करो जिससे और लोगों तक पहुँचे। तो शेयर वेयर करते नहीं हो तो शेयर कर दो इतनी बार बोल रहा हूँ, शेयर कर दो वीडियो, यूट्यूब पर ना करो कोई दिक्कत नहीं, फेसबुक पर कर दो, क्योंकि फेसबुक पेज है ना बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया फॉलोवर हो गए, चेक करके देखो एकदम से, आपने बहुत मदद की आप लिए, थैंक यू। तो मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। सो गाइस टाइम हो गया 11:30 और सारी मार्केट बंद हो चुकी है ऋषिकेश की, बस एक ही होटल एक ही ढाबा खुला हुआ है यहाँ पे, बाकी पूरा चोटी वाला रेस्टोरेंट भी बंद हो गया। मैं वीडियो एडिट कर रहा था और इंस्टाग्राम पे लोगों से बात कर रहा था, तो मैंने सोचा आप कोई अपडेट नहीं है, आप ब्लॉग को एंड कर देते हैं और सोने की जगह दिखा देते हैं अपनी, कि अपना होटल अपना रूम कैसा रहेगा, कहाँ सोएंगे हम, आखिर हम सोते कहाँ पे हैं, सारी चीज़ें दिखाते हैं आपको। इस तरह से देखो अपना बेड बन चुका है एकदम बढ़िया वाला, ना होटल की ज़रूरत है ना बिस्तर की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है, बिस्तर मेरे सीट के नीचे रहते हैं, 2 कम्बल और मेरे पहनने के कपड़े, कपड़े 3-4 जोड़ी रखता हूँ बैग में, सीट के नीचे बैग में कपड़े हैं और इसी के नीचे कंबल रखा हुआ है। तो ये सीट मैंने दोनों फोल्ड कर दी हैं, देखो ये बीच वाली दोनों फोल्ड कर दी, पीछे वाली फोल्ड कर दी, बन गया बेड, इसमें पैर फैला के 3 लोग आराम से सो सकते हैं। तो यहाँ पे सोऊंगा मैं आज, और होटल में कोई भी डोमेट्री कोई भी रूम कोई भी खाना प्रोवाइड नहीं करा है, ऐसे होटल वालों से हम कुछ समय के बाद में बात करेंगे कि आखिर ड्राइवरों को क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि हम आपके राइडर को लाते हैं यहाँ पे और सेफली ले जाते हैं, तो हमें आराम नहीं मिलेगा तो हम राइडर को बढ़िया सर्विस कैसे दे पाएंगे। तो इस तरह से कुछ रहेगा आज का रूम, देखो आर्टिका गाड़ी इसी में ठीक है, पूरा चारपाई पूरा बेड बन जाता है, अब मैं बिछा लूँगा कम्बल आराम से सोऊँगा। और काफ़ी समय से मैं अपने यहाँ पर CNG सिलेंडर पर बैठ के सामने का व्यू ले रहा था, इस तरह से सामने गंगा बह रही है और यहाँ पर मैं बैठा था अपना गाड़ी के सिलेंडर पर, यहाँ पर मज़े आ रहे थे, बैठ के दिखाऊं, राइट ऐसे बैठा था सामने, काफ़ी समय से इधर देख रहा था, आई देखो सामने गंगा जी बह रही हैं, सामने लक्ष्मण झूला राम झूला दिख रहा है, कहीं पे बैठ के टाइम पास कर रहे थे, बात कर रहे थे इंस्टाग्राम पे लोगों से, और वो तो कुछ ऐसा ही चल रहा था।
तो आज का ब्लॉग प्लीज कमेंट करके बताना अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर लो, बेल आइकन दबा दो और वीडियो शेयर भी कर दो दोस्तों के साथ में। तो आज के ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड, और कल कहाँ जाएंगे किस और कहाँ कहाँ घूमेंगे क्या क्या दिखाएंगे वो सब देखना कल के ब्लॉग में। तो कल का ब्लॉग देखने के लिए आपको चैनल अभी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फेसबुक पे फॉलो करना पड़ेगा। तो इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, लास्ट में यही बोलेंगे हंसते रहो मुस्कुराते रहो देखते रहो विक्की ब्लॉग। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ब्लॉग देख लिया अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता भी दो मुझे कैसा लगा ब्लॉग, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा पक्का। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, वहाँ भी क्वेश्चन करो, और फेसबुक पे देख रहे हो तो शेयर कर दो वीडियो और फॉलो कर लो, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन दबा दो। कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।